मैं पैमला थॉर्नटन, इंचार्ज हूँ MI7 की। मैं जॉनी इंग्लिश। मैं जानती हूँ, बैठिए। आप काफी वक्त से MI7 के साथ नहीं हैं जॉनी इंग्लिश, मगर हम आपको भूले नहीं हैं। यहाँ पर लोग आज तक आपके कारनामों को याद करते हैं, खासकर मोजाम्बिक के। वैसे MI7 बहुत आगे निकल चुका है। तेज गाड़ियां, बंदूकें और सिर्फ खूबसूरत एजेंट, ये सब पुराने तरीके थे। सच तो ये है, मैं नहीं चाहती थी आप लौट कर आएं, क्योंकि आप में वो सारी खामियां हैं जिन्हें बदलने के लिए मैं MI7 में आई थी। मगर मेरे हाथ बंद हो गए। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें हमारे फैसले बदलने पड़ते हैं। दरअसल एक प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, कितनी प्यारी बिल्ली है आपकी, कितनी प्यारी, एक बार गोद में ले लो तो बस छोड़ने का मन ही नहीं करता। कितनी मुलायम है ये, कितनी नादान, बिल्कुल कम है और किसी की गोद में नहीं। ना जी, मेरा तो जानवरों से जन्मों का रिश्ता है। बोलो 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 बिल्लू, कालो कालो बिल्लू, दूध पिएगा, मच्छी खाएगा, कितना सुंदर सुन तीड़ते ये केट सामनर है, हमारी मनोवैज्ञानिक यानी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। आपके बारे में बहुत सुना है। उम्मीद है, अच्छा ही। एक बात बताइए डॉक्टर सामनर, ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो आखिर करते क्या है? मन में क्या चल रहा है हम अपने विज्ञान से सब जान लेते हैं, सब कुछ। हम इंसान के मन को पढ़ते हैं। फिर तो हमें जरूर मिलना चाहिए, आपको मुझे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थैंक्स। तो पम्मी जी, कुछ ज्ञान बांट रही थी आप? रिटायर्ड CIA एजेंट टाइटस फिशर ने हांगकांग से हमें कांटेक्ट किया है। उनके पास पक्की खबर है कि अगले हफ्ते के कॉन्फ्रेंस में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश रची गई है। आप पता लगाइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हर साजिश का पर्दाफाश करना मेरी खासियत है। एजेंट वन, नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं।